गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइसेल्फ डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा और आपका हार्दिक स्वागत है डॉक्टर नरेश कुमार शर्मा द्वारा संचालित एग्रीकल्चर क्लासेस में। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण फसल गेहूं के बारे में। गेहूं जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है, यह ग्रेमिनी या पोएसी कुल का पादप है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n = 42 होती है, जिसको अपन जेनेटिकली एलो हेक्साप्लोइड प्लांट भी कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान दक्षिण पश्चिम एशिया है। इसका जो इन्फ्लोरेंस या पुष्पक्रम है उसको अपन एयर बाली या स्पाइक के नाम से जानते हैं। इसका परीक्षण भार 40 से 42 ग्राम होता है और ग्रेमिनी कुल का पादप होने के कारण इसका जो फल प्रकार होता है वो होता है कैरियोप्सिस, ठीक है। उसके बाद अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में और सबसे ज़्यादा खाने के लिए अगर कोई फसल काम में ली जाती है तो हमारा गेहूं है, इसलिए हम गेहूं को अनाजों का राजा भी कहते हैं। तो ये तो बात हो गई एक सामान्यतः हमारे गेहूं की। अब अपन आज बात करेंगे गेहूं के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पर कि गेहूं के दानों में प्रोटीन कितना होता है। तो अगर अपन यहां देखते हैं तो हमारे पास जितने भी अनाज वर्गीय परिवार के मेंबर्स हैं, हमारी जितनी भी सीरियल्स हैं, अगर सीरियल्स में या अनाजों में सबसे ज्यादा प्रोटीन की बात की जाती है तो प्रोटीन आता है गेहूं के अंदर, और गेहूं में प्रोटीन होता है 11 से 14%। अब आपको यहां से याद रखना है कि अगर मान लो कभी आपसे क्वेश्चन आए कि गेहूं के बाद सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा प्रोटीन किसके पास है, तो गेहूं के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होता है वो होता है बाजरे में। बाजरे के अंदर औसतन लगभग 11.5% के आसपास प्रोटीन होता है, जो कि अनाजों में गेहूं के बाद सेकेंड पोजिशन पे है। तो अगर आपसे सबसे ज्यादा प्रोटीन पूछे तो गेहूं ऑप्शन में नहीं होता है, तो आपके पास सेकेंड अल्टरनेटिव होना चाहिए, वो है हमारा बाजरा। थर्ड नंबर पे अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए चलो बताओ अनाजों में सबसे कम प्रोटीन, हमारे सीरियल्स में सबसे कम प्रोटीन किसके पास है, तो देखो एक ऑप्शन है 6 से 7%। तो जो हमारा राइस है, चावल है, चावल के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो होती है बेटा 6 से 7%। तो अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा प्रोटीन 11 से 14% गेहूं में, सबसे कम प्रोटीन 6 से 7% धान में, और गेहूं के बाद सबसे ज्यादा प्रोटीन तो सेकेंड नंबर पे आपका बाजरा, जिसमें 11.5% प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास गेहूं के प्रोटीन को किस नाम से जाना जाता है। यह भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो देखो सामान्यतया हम गेहूं की प्रोटीन को बोलते हैं ग्लूटेन के नाम से, गेहूं की प्रोटीन को ग्लूटेन कहा जाता है। लेकिन अब आपके सामने जवाब होने चाहिए कि अगर मान लो ये नहीं है हमारे पास, और भी बहुत सारी प्रोटीन है जिसको हम किस किस नाम से जानेंगे। तो देखो कुछ ऑप्शंस आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है जिन, जिन हम बोलते हैं मक्का की प्रोटीन को, मक्का की प्रोटीन को जिन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आपके पास है ओराइजिन, अगर ओराइजिन की बात करें तो ओराइजिन कौन सी फसल की प्रोटीन है, तो ओराइजिन प्रोटीन है किसके, चावल की। उसके बाद ग्लूटेन की बात करें तो अपने पढ़ा अभी ग्लूटेन प्रोटीन है किसकी, गेहूं की। उसके बाद अगला केस आता है मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन है जो पाई जाती है किसके अंदर, मीट के अंदर या मांस के अंदर। उसके बाद भी अगर हमारे पास आता है तो देखो कैरेटीन, ठीक है, तो कैरेटीन एक प्रोटीन है जो ऊन वगैरह में पाई जाती है। उसके बाद अगला आता है हमारे पास एल्ब्यूमिन, अंडे के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन। उसके बाद अगला केस आता है केसिन, तो हमारे दूध के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है उसको हम बोलते हैं केसिन। तो कैरेटीन ये हमारे ऊन वगैरह के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, एल्ब्यूमिन अंडे के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, कैरेटीन केसिन दूध के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, मायोसिन मीट के अंदर पाई जाने वाली प्रोटीन, ग्लूटेन हमारी गेहूं की प्रोटीन, ओराइजिन धान की प्रोटीन, और एक जिन हमारा मक्का की प्रोटीन। तो अगर प्रोटीन का केस आपके पास एग्जाम में आता है तो ये कुछ कुछ इंपोर्टेंट प्रोटीन्स हैं जो आपको याद रखनी है। और अगर आपसे कभी कहे कि प्रोटीन क्या होता है तो एक सिंपल सा जवाब, प्रोटीन बहुत सारी अमीनो अम्लों का क्या है, बहुलक, बहुत सारी अमीनो अम्ल आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का। तो ये हमारे सबसे पहले दो क्वेश्चंस जो आपके सामने विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगला केस आता है नंबर थर्ड एंड नंबर फोर्थ। तो देखो यहां पे अगला केस आपके पास आया कि जो सेलिक है,
यह नामक रोग किस प्रोटीन की एलर्जी के कारण हो जाता है? तो देखो, अभी अपन बात कर रहे थे जीन, जीन हमारी प्रोटीन है किसकी? मक्का की। ओराइजीन हमारी प्रोटीन है किसकी? धान की। ग्लूटेन हमारी प्रोटीन है किसकी? गेहूं की। और मायोसिन प्रोटीन है हमारी किसकी? मीट की। तो अगर हम देखते हैं तो जो सेलिक नामक रोग है वो ग्लूटेन की एलर्जी से होता है। किसकी एलर्जी से? ग्लूटेन की एलर्जी से। बहुत फेमस क्वेश्चन है, काफी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि ग्लूटेन अगर ऐसे इंसान को खिलाया जाए जिसको उस ग्लूटेन से एलर्जी है तो उसमें रोग हो जाता है, जिसको बोलते हैं सेलिक। उसके बाद आता है ट्रिटिकेल। अब देखो ट्रिटिकेल अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन सामने लेके आता है, थोड़ा ट्रिटिकेल के बारे में अपन डिटेल में बात करें। देखो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट जिसका नाम था रिंपू, रिंपू नामक वैज्ञानिक के द्वारा ट्रिटिकम टर्जिडम, जो गेहूं की प्रजाति काम में ली गई वो थी आपकी ट्रिटिकम टर्जिडम, और सेकेंड केस आया राई जिसका वैज्ञानिक नाम था सिकेल सीरियल, सिकेल सीरियल। तो ट्रिटिकम टर्जिडम और सिकेल सीरियल के संक्रमण से रिंपू नामक वैज्ञानिक के द्वारा दुनिया की मानव द्वारा निर्मित सबसे पहली फसल तैयार की, जिसका नाम रखा गया ट्रिटिकेल। और ट्रिटिकेल का निर्माता कौन था? रिंपू, जिसको हम मानव के द्वारा निर्मित प्रथम फसल बोलते हैं, मानव द्वारा निर्मित। उसके बाद अगला केस देखते हैं, तो देखो इसकी एक बहुत फेमस वैरायटी है जिसका नाम है DT46। DT46 ट्रिटिकेल की एक बहुत फेमस वैरायटी है। अब अपन ट्रिटिकेल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, तो ट्रिटिकेल क्या है? ऐसी फसल जो गेहूं वर्गीय परिवार से संबंध रखता है लेकिन पानी के प्रति, यानी कि पानी के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील है। अगर बहुत कम पानी भी होगा तो भी आप ट्रिटिकेल को आपस आसानी से उगा सकते हो। तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रिटिकेल क्या है, तो ट्रिटिकेल मानव के द्वारा निर्मित प्रथम फसल थी जो किस किस का संकरण है, तो वो जवाब होना चाहिए आपका गेहूं और राई का संकरण है। तो गेहूं की प्रजाति जो ट्रिटिकेल निर्माण के दौरान काम में ली गई थी उसका नाम था ट्रिटिकम टर्जिडम, और राई की वो प्रजाति जो उस दौरान उपयोग में लाई गई थी उसका नाम था सिकेल सीरियल। तो ट्रिटिकेल रिंपू ने बनाया, ट्रिटिकेल ट्रिटिकम टर्जिडम और सिकेल सीरियल का संकरण है, ट्रिटिकेल मानव द्वारा निर्मित प्रथम फसल है, ट्रिटिकेल की एक बहुत फेमस वैरायटी DT46। और अगर आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये क्रॉस है कौन सा? इंटर जेनेरिक क्रॉस, दो अलग अलग जीनस के बीच में क्रॉस करा के ये बनाया गया, इससे हम इसको इंटर जेनेरिक क्रॉस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 5 एंड नंबर 6। अभी अपन बात ही कर रहे थे, मैं आपको जब ट्रिटिकेल पढ़ा रहा था, तो ट्रिटिकेल गेहूं और राई का संकरण था जो ट्रिटिकम टर्जिडम और सिकेल सीरियल के संकरण से बनाया गया था, तो इसका जवाब आपके पास होना चाहिए ट्रिटिकेल। उसके बाद अगला आता है हमारे पास गेहूं, तो गेहूं का देखो केस क्या, गेहूं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है 2N = 42 गुणसूत्र। अब अपन देखिए गेहूं की जो पूर्वगामी पादप है, जैसे आपका सबसे पहली प्रजाति इसके ट्रिटिकम मोनोकोकम जो कि द्विगुणित पादप है। अगर मैं ट्रिटिकम मोनोकोकम की बात करूं तो ट्रिटिकम मोनोकोकम में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2N = 14 गुणसूत्र। तो अगर मैं एन बराबर देखता हूं तो एन बराबर 14/2 = 7, तो इसमें एन बराबर गुणसूत्रों की संख्या होती है 7। तो देखो गुणसूत्र इसमें कितने हैं? 42, तो 42/7 = 6, अर्थात हमारा गेहूं का पौधा कैसा है? षटगुणित। तो देखो इसके दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो एलो हेक्साप्लोइड या ओटो हेक्साप्लोइड, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ तो इसमें एक से अधिक जीनस होने के कारण हम इसका जवाब जो मानेंगे वो क्या? एलो हेक्साप्लोइड। तो आपसे अगर पूछा जाता है गेहूं का पौधा कैसा है, तो आपका जवाब होना चाहिए एलो हेक्साप्लोइड। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, तो इसमें हम देखते हैं। देखो सबसे पहला केस आया भारत का बोना गेहूं, तो भारत का बोना गेहूं ट्रिटिकम स्पेरोकोकम, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम को ही भारत का बोना गेहूं कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। अगला आता है मेक्सिको का बोना गेहूं, तो देखो बेटा ट्रिटिकम एस्टिवम डॉक्टर एन ई बारलोक
डॉक्टर एन ई बार्लो के द्वारा सबसे पहली बार ट्रिटिकम एस्टिवम को हमारा जो गेहूं और मक्का का अनुसंधान संस्थान है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कि स्थित है मेक्सिको के अंदर, उस मेक्सिको से हमारे इंडिया में ट्रिटिकम एस्टिवम को लाया गया था, इससे हम इसको मेक्सिको का बोना गेहूं भी कहते हैं। अगला आता है मार्कोनी गेहूं, मार्कोनी या काठे गेहूं। तो जो हमारा ट्रिटिकम ड्यूरम है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 28 होती है, अगर देखें तो यह हमारा एक चतुर्गुणित गेहूं है, तो इसमें गुणसूत्र 28 और इसको हम मार्कोनी या काठिया गेहूं भी कहते हैं, तो यह भी बिल्कुल सही है। अगला केस आता है इमर गेहूं। तो सामान्यतः इमर गेहूं कहा जाता है ट्रिटिकम डाइकोकम को, ट्रिटिकम डाइकोकम को इमर गेहूं के नाम से जानते हैं, तो यह हमारा चौथा वाला ऑप्शन गलत हो गया कि ट्रिटिकम मोनोकोकम इमर गेहूं नहीं है, ट्रिटिकम मोनोकोकम तो क्या है इनकोर्न गेहूं। अगर इसका नाम आपसे कभी भी पूछा जाए तो ये गेहूं है कौन सा वाला, इनकोर्न गेहूं, इनकोर्न गेहूं है हमारा ट्रिटिकम मोनोकोकम, तो इसका जवाब हो जाएगा ट्रिटिकम मोनोकोकम इमर गेहूं नहीं है। उसके बाद गेहूं के पुष्करम ईयर या बाली, अब आपसे कभी पूछ ले गेहूं के पुष्करम को किस नाम से जानते हैं, तो गेहूं का पुष्करम ईयर या बाली कहलाता है। तो ईयर या बाली में पाया जाने वाला तुष, अब देखो तुष क्या होता है, तो अगर आप गेहूं के इन्फ्लोरेंस को देखोगे तो वह आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो अपन जब गेहूं के बारे में डिटेल में बात करेंगे थ्योरी में, तब हम देखेंगे कि गेहूं का जो इन्फ्लोरेंस है उसको हम या तो बोलते हैं स्पाइक या ईयर या हिंदी में बोले तो बाली। तो गेहूं के इन्फ्लोरेंस को ईयर या स्पाइक या बाली के नाम से भी जानते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो गेहूं की बाली होती है उसके चारों ओर ये इस तरह का एक सुई जैसी संरचना पाई जाती है, इस सुई जैसी संरचना को हम बोलते हैं ऑन AWN, या हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलेंगे तुस। अब यह स्थिति देखो इनका क्या योगदान है, तो कहते हैं कि अगर पौधे के पास पानी की कमी हो तो पौधा क्या करता है अपने रंध्र बंद कर देता है। पौधे में एक बार रंध्र बंद होने के बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, रुक जाती है। तो उस केस में जब आपका पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रही तो उस केस में जो आपका तुस है, तुस यानी कि ये जो ऊन है ये भी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता रखता है, और उस समय पर इसका जो योगदान होता है वो होता है बेटा 10 से 12%। तो कहते हैं शुष्क क्षेत्रों में तुस वाली जो किस्में होती है वो 10 से 12% अधिक योगदान देती है बिना तुस वाली किस्मों की अपेक्षा, क्योंकि वहां पर तुस भी क्या करते हैं प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट केस आएगा हमारे पास, आपसे पूछा जाता है गेहूं का उत्पत्ति स्थान है, तो देखो गेहूं का उत्पत्ति स्थान है बेटा दक्षिण पश्चिम एशिया या साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है ना। और अगर कभी आपको ऑप्शन में टर्की भी नजर आए तो टर्की या दक्षिण पश्चिम एशिया हमारा गेहूं का उत्पत्ति स्थान है। अब देखो थोड़ा सा जब इसके ये क्वेश्चन बनाए ऑब्जेक्टिव बनाए तो देखो यहां पे 3 ऑप्शन आपके सामने और हैं। अगर हम अनाज वर्गीय परिवार को देखते हैं, अभी हम अनाज वर्गीय परिवार में नंबर 1 फसल गेहूं के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप देखो उन्हीं अनाजों में मेक्सिको उत्पत्ति स्थान है या किसका, हमारी मक्का का। अगर मैं अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका उत्पत्ति स्थान है किसका, एक तो ज्वार का और एक सेकेंड नंबर पर बाजरे का। और एक सबसे मेन कंफ्यूजिंग जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और जब भी गेहूं का उत्पत्ति स्थान आएगा इसके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन लिख सकते हैं SEA, साउथ ईस्ट एशिया, और ये उत्पत्ति स्थान है किसका, धान का। तो धान का कभी अगर उत्पत्ति स्थान आपसे पूछा जाता है तो या तो साउथ ईस्ट एशिया या आप कभी ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में आएंगे आपके पास इंडो बर्मा, तो इंडो बर्मा हमारे धान का उत्पत्ति स्थान है, साउथ ईस्ट एशिया भी उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। अब आप देखो एग्जाम के अंदर कभी जब गेहूं का उत्पत्ति स्थान पूछा तो ये दोनों ऑप्शन आपके सामने होंगे, और थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपके गलत होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखो इसको याद रखने का तरीका है, गेहूं को हम इंग्लिश में बोलते हैं वीट, तो देखो उसका सब पहला शब्द आया W, तो W से आप याद रखें W से वेस्ट, वेस्ट यानी कि पश्चिम,
ठीक है ना। तो जब भी इसका उत्पत्ति स्थान आए तो आपको पहचान जाना है कि दक्षिण एशिया दोनों में कॉमन है, लेकिन गेहूं के केस में क्या आना चाहिए, पश्चिम आना चाहिए। उसके बाद केस आता है सीआरआई जड़ों का निर्माण होता है। तो देखो बेटा, सीआरआई अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण केस है। 8 से 9 क्वेश्चन अकेले सीआरआई के बनते हैं। तो मैं आपको एक डायग्राम से सीआरआई को समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप मान लेते हैं ये हमारी मृदा और हमने यहां पर ये बीज बोया। जैसे आप बीज बोओगे तो बीज से क्या निकलेगी, जड़ें, और ऊपर निकल जाएगा आपका तना, ठीक है। लेकिन जो ये जड़ें बीज से आई हैं, ये केवल कुछ टाइम के लिए जिंदा रहेगी और वो टाइम होगा शुरू के 15-20 दिन। तो अपन मान सकते हैं कि शुरुआत के 20 दिन तक ये जड़ें आपकी जिंदा रहेगी और बीज से आपके पौधे को भोजन उपलब्ध कराएगी। लेकिन 20 दिन के आसपास आते आते लगभग लगभग इन जड़ों की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। अब अगर इस दौरान पौधा अपना सोर्स, अल्टरनेटिव सोर्स नहीं ढूंढता है तो पौधा मर भी सकता है। तो पौधा क्या करेगा, यह आपका जो बीज है, बीज के ऊपर परंतु मिट्टी से नीचे एक बाग बनाएगा, जिस बाग को बोलते हैं हम क्राउन बाग। क्राउन बाग कहां है बेटा, ये पूछते हैं एग्जाम में। बीज के तो ऊपर है लेकिन मिट्टी के कहां है, नीचे। और इस क्राउन बाग से वापस क्या निकलेगी, जड़े निकलेगी। और इन जड़ों को हम बोलेंगे, वो जड़े कहलाएगी, कौन सी जड़े, सीआरआई जड़े। इन जड़ों को हम सीआरआई के नाम से जानेंगे। सीआरआई मतलब क्राउन रूट इनिशिएशन। अगर हिंदी में देखें तो सीआरआई को बोलते हैं शीर्ष जड़ निर्माण। शीर्ष जड़ निर्माण की जो क्रिया है उसको हम बोलते हैं सीआरआई। अब अगला क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाए सीआरआई शीर्ष जड़ निर्माण, सीआरआई जड़ों का निर्माण कहां होता है, 20 से 25 दिनों के मध्य। कहां पर, बीज के तो ऊपर लेकिन मृदा के नीचे, ठीक है। उसके बाद अगला केस, सीआरआई कंसेप्ट की जो अवधारणा है वो सबसे पहले एक बहुत फेमस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई थी, जिसका नाम था भारद्वाज। भारद्वाज ने सबसे पहली बार गेहूं के अंदर शीर्ष जड़ निर्माण की क्रिया की अवधारणा प्रस्तुत की थी। और इन्होंने बताया था कि सीआरआई अवस्था पानी के प्रति सबसे ज्यादा क्या है, संवेदनशील। तो हम जब गेहूं की बात करेंगे तो गेहूं में जो जितनी भी आपकी क्रांतिक अवस्थाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा संवेदनशील अगर कोई अवस्था है तो वो कौन सी बेटा, हमारी सीआरआई। तो सीआरआई पानी के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील है। अगर इस दौरान पानी नहीं दिया, हमारी उपज में क्या होगी, सबसे ज्यादा कमी आएगी। तो आपसे पूछा है सीआरआई जड़ों का निर्माण कहां होता है, तो मैंने अभी बताया सीआरआई जड़ों का निर्माण होगा बीज के तो ऊपर परंतु भूमि के अंदर, ठीक है ना, नीचे। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सीआरआई जड़ों का निर्माण होता है तो अभी अपन ने पढ़ा 20 से 25 दिन के बीच में। तो कभी आपको ऑप्शन में 21 दिन मिल सकते हैं, कभी 22 दिन मिले, 23 मिल जाए, तो कोई भी ऑप्शन में हमारे पास हो तो 20 से 25 दिन के बीच में मोस्ट ऑफ दी हमारे सीआरआई जड़ों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान कहां है, तो देखो बेटा गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान है वो है हमारे करनाल, हरियाणा के अंदर, ठीक है। पहले केवल ये गेहूं का अनुसंधान संस्थान था, अब यहां गेहूं के साथ साथ जो पर भी अनुसंधान कार्य होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि गेहूं के साथ जो पर अनुसंधान कार्यक्रम का अनुसंधान जो डायरेक्टरेट है वो कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है बेटा करनाल हरियाणा में। अब देखो एक अच्छे स्टूडेंट की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, मैंने आपके सामने एक नाम लिया केवल करनाल हरियाणा का, लेकिन करनाल का नाम आते आपके पास आना चाहिए कि यहां पर हमारी गेहूं की फसल का अनुसंधान निदेशालय है, यहां पर हमारी जो फसल का अनुसंधान निदेशालय है, यहां पर लवणीय मृदाओं पर जो मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान है जिसको हम CSSRI भी बोलते हैं, सेंट्रल सॉइल सेलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान, वो भी कहां है बेटा करनाल हरियाणा में। और एक हमारा डेयरी का सबसे बड़ा संस्थान NDRI, हमारे कंट्री का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, वो भी कहां है बेटा करनाल
हरियाणा में। तो अगर आपसे पूछा जाए गेहूं एवं जौ का जो डायरेक्टरेट है रिसर्च का वो कहां पर स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए करनाल हरियाणा। सीआरआई जड़ों का निर्माण होता है 20 से 25 दिनों के बीच में। अगला क्वेश्चन आपके पास आता है अंतरराष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान संस्थान, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, सिमेट के नाम से। तो सिमेट कहां है बेटा, तो सिमेट स्थित है मेक्सिको में, और इसी सिमेट से हमारे जो प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर एनी बार्लो, वो हमारा जो गेहूं था जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, वो हमारे कंट्री में लेके आए थे। इसलिए डॉक्टर एनई बार्लो को हम विश्व हरित क्रांति का जनक भी बोलते हैं, जिसमें हमारा नॉरिन जीन हमारे इंडिया के अंदर कहां से आया था, मेक्सिको से। तो अगर आपसे पूछे सिमेट कहां पर स्थित है, तो सिमेट मेक्सिको में स्थित है। इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है बेटा, आपसे कभी पूछा जाए कि सिमेट में गेहूं के साथ, क्योंकि सिमेंट का नाम आते हैं लोग गेहूं को तो याद रखते हैं लेकिन इस मक्का को याद नहीं रखते। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि सिमेंट में गेहूं के अतिरिक्त और कौन सी फसल पर अनुसंधान कार्य होता है, तो आपका जवाब होना चाहिए गेहूं के अतिरिक्त अनुसंधान कार्य होता है किस पर, मक्का पर। अगला क्वेश्चन आता है गेहूं के पुष्करम में दाना भरते समय तापमान क्या होना चाहिए। आपसे कोई भी पूछे कि दाना बन रहा है या दूधी अवस्था है, उस दौरान गेहूं का तापमान क्या हो। अब ये तो चलो दूधी अवस्था का तापमान आ गया, लेकिन अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि चलो बताइए गेहूं के अंकुरण का क्या तापमान होना चाहिए, गेहूं के वृद्धि अवस्था पर क्या तापमान होना चाहिए, गेहूं में कल्ले निकलते समय क्या तापमान होना चाहिए, तो देखो आप जानते हो कि गेहूं एक रबी की फसल है, और रबी की फसल होने के नाते अगर हम अंकुरण की बात करें तो गेहूं का अंकुरण सामान्यतया गेहूं की बुआई होगी नवंबर के महीने में, 15 नवंबर के बाद 25 नवंबर तक हम गेहूं का सबसे उपयुक्त समय मानते हैं अंकुरण के दृष्टिकोण से। तो अगर आपसे रबी के केस में अंकुरण का तापमान पूछा जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उत्तम होता है किसके लिए, अंकुरण के लिए। उसके बाद सेकंड केस आता है वृद्धि या कल्ले निकलते समय। अब आप देखो केस कि सामान्यतया हम नवंबर के अंदर गेहूं की बुआई कर रहे हैं, तो 20 से 25 दिन तक तो क्या निर्माण हो रहा है, सीआरआई जड़े जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद गेहूं में क्या निकलेंगे, कल्ले। और कल्ले निकलना मतलब ग्रेमिनी कुल का एक सबसे महत्वपूर्ण सूचक है किसका, वृद्धि का। तो आप देखो यह सारा कार्य कब होगा, सामान्यतः दिसंबर के महीने में, और कुछ ना कुछ समय हमारा जनवरी का भी आएगा, तो वहां टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस डाउन हो जाएगा, तो यहां पे जो उत्तम टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आपसे अगला पूछा जाए, मान लो कभी दाना बनते समय जो हमारे सामने है, तो देखो दाना बनने की क्रिया कब होगी, तो जनवरी के एंड तक तो हमारे पास क्या चल रही है, वृद्धि। जनवरी का एंड और फरवरी के प्रथम सप्ताह में सामान्यतया गेहूं में दाने पुष्करम आ जाता है और गेहूं में दाने बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही फरवरी आएगा तो तापमान वापस क्या होगा, बढ़ेगा, और तापमान वापस बढ़ते ही तापमान आएगा वापस 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो सामान्यतया 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर गेहूं के अंदर क्या बनेंगे, दाने बनेंगे। अब कई बार जीआरएफ एग्जाम के अंदर या बहुत अच्छे कंपिटेटिव एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया कि चलो बताइए गेहूं के पुष्करम में दाना बनते समय क्या तापमान होना चाहिए। हमने पढ़ लिया गेहूं में तापमान होना चाहिए उस समय पर 20 से 25, लेकिन आपके पास ऑप्शन ऐसे आए जिसमें एक में आया 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, एक में आया 22 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस, ये दोनों ऑप्शन आपके पास आते हैं। तो उस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे थे 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 में तो यह भी आता है, 20 से 25 में तो यह भी आता है, लेकिन जब भी दाना बनने वाली की बात आती है तो हम हमेशा क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर वाले तापमान को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि आप देखो मार्च के बाद तापमान बढ़ने के क्या है, चांसेस हैं। तो यहां पे जो जवाब होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 22 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपसे तापमान का केस पूछा जाए तो आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब होना चाहिए कि अंकुरण का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, वृद्धि का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, गेहूं में कल्ले निकलने का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, गेहूं में दाना बनते समय का तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस,
और अगर आपके पास ऑप्शन में दोनों आते हैं जिसमें 20 से 22 भी ऑप्शन हो, 22 से 25 भी ऑप्शन हो, तो आपका जवाब होना चाहिए बेटा 22 से 25। अगला क्वेश्चन देखो, वापस सेम चीज हमारे सामने आ गई कि गेहूं के पुष्करम, गेहूं के पौधे में, यहां पुष्करम गलत हो गया, यहां आ जाएगा गेहूं के पौधे में कल्ले निकलते समय सबसे उपयुक्त तापमान है। तो गेहूं के पौधे में कल्ले निकलते जो समय उपयुक्त तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए कितना, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। अगर 15 डिग्री से कम पर अगर तापमान, औसत तापमान जाता है तो फिर पौधे की जो कल्ले निकलने की अवस्था है वो क्या होती है, प्रभावित होती है। तो अगर औसतन देखें हम तो यहां पर सबसे उपयुक्त तापमान माना जाता है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद निम्न में से कौन सी फसल विश्व की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो अगर आपसे बेटा पूछा जाता है विश्व का, तो विश्व की एक सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो है हमारा गेहूं। उसके बाद अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि चलो बताओ भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, तो हमारे इंडिया की जो सबसे मेन प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो क्या है, चावल है। तो आपसे अगर पूछा गया कि विश्व की खाद्यान्न फसल जो मेजर फूड ग्रेन क्रॉप है हमारे पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड की फूड ग्रेन क्रॉप जो मेजर है वो हमारा वीट है, तो आंसर आ जाएगा इसका गेहूं। अगला क्वेश्चन आता है किस फसल को अनाज वाली फसलों का राजा भी कहते हैं, तो अगर आपसे पूछा गया है कि कौन सी क्रॉप जिसको हम किंग ऑफ सीरियल या अनाज वाली फसलों का राजा कहते हैं, तो देखो उसका जवाब आपका होगा गेहूं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल अगर कोई है तो वो हमारा गेहूं है। पूरे वर्ल्ड की मेजर स्टेबल फूड ग्रेन क्रॉप होने के कारण हम इसको अनाज वाली फसलों का राजा भी कहते हैं। उसके बाद अगला केस आता है हमारे पास गेहूं की बीज दर, तो वैसे तो सामान्यतया क्या होती है, गेहूं की बीज दर होती है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर। गेहूं की बीज दर कितनी, 100 से 125 अपन मान लेते हैं वैसे, लेकिन 100 किलोग्राम होती है। लेकिन हम देरी से बुआई या जल्दी बुआई या लवणीय क्षारीय मृदाओं में बुआई या सूखे खेत में बुआई, तो उस केस में 20 से 25 प्रतिशत हम ज्यादा लेते हैं, तो हमारे पास एक रेंज में आ जाती है और वो रेंज होती है 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो अगर कभी रेंज में पूछा जाए तो आपका जवाब होना चाहिए 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टर, लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास ऐसे हैं 80 किलो, 100 किलो, 125 किलो, 150 किलो, तो आपका जवाब होना चाहिए 100 किलोग्राम।